मैंने आपको कहा है ना, मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगी, बस मुझे 5 घंटे तो दीजिए। ऑलरेडी डेडलाइंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। रुकिए, मैं कोई कॉल आ रहा है, 1 सेकेंड। हेलो, हाँ मैंने आपको बोला है ना। अच्छा, आपकी क्वेरी, प्लीज प्लीज आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत ज्यादा ऑलरेडी मैं स्ट्रिक्ट डेडलाइन पे चल रही हूँ। प्लीज प्लीज, ठीक है, जस्ट 2 मिनट। ये वर्क फ्रॉम होम तो बहुत टायरिंग है, नहीं होगा। तो क्या वर्क फ्रॉम होम ने आपकी भी हालत और पॉस्चर दोनों खराब कर दी है? तो आइए करते हैं इसको भी सही योग से। नमस्ते योगीस, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है बीइंग योगिक चैनल में। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कुछ ऐसे आसन जिसकी मदद से आप घर पे बैठे बैठे अपने पॉस्चर को सही कर सकते हैं, और हम साथ में समझेंगे कुछ ऐसे साइंटिफिक रीजन कि क्यों हमारा पॉस्चर यूजली खराब हो जाता है जब हम झुक कर या फिर अपने शोल्डर्स को नीचे लेकर आकर काम करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं थोड़ा सा साइंस। जब हम अपने पॉस्चर को यानी कि अपने स्पाइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, यानी कि हम इस तरह से झुक कर बैठते हैं, तो हमारे स्पाइन का कर्वेचर जो है वो टेढ़ा हो जाता है और हमारे मसल ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। जब हमारे मसल ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं तो हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, और इस वीकनेस की वजह से हमें नेक पेन, मसल पेन, शोल्डर पेन, यहाँ तक कि हेडेक भी हो सकता है। तो आइए आज हम करेंगे ऐसे आसन जिनकी मदद से आप रोज अपने पॉस्चर में सुधार ला सकते हैं, और साथ ही अगर आपको नेक पेन है, शोल्डर पेन है, हेडेक है, जितने भी आपकी समस्या है बैक से रिलेटेड, उनको भी सुधार सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सुखासन, जिसमें आप अपने पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये एक नॉर्मल पॉस्चर है जो हम खाते समय भी बैठते हैं या फिर हम कोई भी काम करते हुए बैठते हैं, तो इसे हम सुखासन बोलते हैं या फिर क्रॉस लेग पोजिशन भी बोलते हैं। तो आप इसको इस पे बैठ सकते हैं, अपने दोनों हाथों को आप नी पे रख सकते हैं, और जब आप ध्यान देंगे कि आप इस पॉस्चर पे बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइन टेढ़ी से सीधी हो जाती है। तो आप इसमें 5 से 10 मिनट रोज बैठने की कोशिश करिए, और कॉन्शियसली यानी कि अपने दिमाग को आप अपने स्पाइन की तरफ लेके जाइए। थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू में एक आदत डालना, पर धीरे धीरे करके एक आदत बन जाएगी। तो 5 से 10 मिनट आप सुखासन में बैठिए, ध्यान रहे आपका स्पाइन सीधा, आपका नेक सीधा, और आप सामने की तरफ देखेंगे। तो जो अगला आसन है वो है भुजंगासन। आइए देखते हैं कैसे करते हैं उसे। तो आप इस तरह से अपने चेस्ट की तरफ लेट जाएंगे, आपके दोनों पैर इस तरह से सिधाई में रहेंगे सीधे, आपके दोनों हाथ आपके चेस्ट के साइड में, आपका चिन जमीन पे रहेगा, और आप सांसों को अंदर भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर लेकर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर और एक्सहेल। अब इस पोस्चर को आप 10 काउंट तक होल्ड करेंगे, ठीक है, पर आपको ब्रीथिंग नॉर्मल रखनी है, इनहेल और एक्सहेल करते रहना है, ना ही होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे। तो भुजंगासन को हम कोबरा पोज भी बोलते हैं। जब हम भुजंगासन करते हैं तो ये आपके स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, और जब इसे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके जो अपर बैक, लोअर बैक में पेन का इश्यू है, यानी कि आपको कॉन्स्टेंटली दर्द हो रहा है, वो भी धीरे धीरे करके चला जाएगा, और साथ में ये आपके पूरे बैक मसल को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी देता है। तो इसलिए भुजंगासन भी आप जरूर करिए। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट आसन जो है पश्चिमोत्तान आसन। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से स्ट्रेच करना है, आपका स्पाइन, आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए, अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे। जब आप ये आसन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेच आपके पूरे पैरों में और पूरे स्पाइन में फील होगा। ये बहुत ज्यादा अच्छा है आपके पूरे पैर के लिए और आपकी पूरी पीठ के लिए। तो मेक श्योर करें कि जब आप बेंड करेंगे तो जितना हो सके उतना स्ट्रेच करें और अपने आपको कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। आइए प्रैक्टिस करते हैं 10 राउंड तक। आप अपने सांसों को नहीं रोकेंगे, नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे, आपका ध्यान सिर्फ आपके सांसों पर रहेगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इनहेल करते हुए ऊपर ले आएंगे अपने हाथों को और एक्सहेल करते हुए नीचे। हो सकता है कि जब आप पहली बार पश्चिमोत्तानासन करें तो आप अपने हाथों को अपने टोस तक, तो इसमें हो सकता है कि आप अपने हाथों को अपने टोस से टच नहीं कर पाए, पर आप इसमें परेशान मत होइए क्योंकि जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका पॉस्चर इम्प्रूव होता जाएगा और आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं कि आपका हाथ धीरे धीरे आपके टोस की तरफ पहुंच रहा है। तो अगर आपका हाथ आपके नी तक पहुंच रहा है या फिर आपके एंकल तक पहुंच रहा है तो कंफर्टेबली उसे करिए, रोज प्रैक्टिस करिए। जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं उससे हमारा जो हमारे लेग मसल्स हैं साथ में ही हमारा स्पाइन मसल कम्प्लीटली स्ट्रेच होता है और उसे एक स्ट्रेंथ भी मिलती है जिसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगातार करने से काफ़ी ज़्यादा हमारे बैक पे स्ट्रेंथ आती है। और साथ में आपका जो हंच है यानी कि जो आप इस तरह से आपकी पीठ आप देख सकते हैं काफ़ी बार बैठने में हो जाती है वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाता है। तो ज़रूर इन तीन अभ्यास को, तीन योगासन को आप प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट रहे हैं आपके, नीचे कमेंट सेक्शन में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा आईडी है being.yogi। तब तक प्रैक्टिस करिए, ध्यान रखिए, नमस्ते।